नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, ज्योतिष, ज्योतिष ज्ञान, विज्ञान, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, इनसे जुड़े विषयों पर बात करता रहता हूँ। साधारणतया हम लोग तो व्यक्ति के जन्म, उससे जुड़े ज्योतिष, ज्योतिष के ग्रहों का व्यक्ति पे असर, उसके बारे में बात करते रहते हैं। परंतु देखा जाए तो किसी व्यक्ति का भाग्य उसके देश से जुड़ा रहता है, उसके जन्म स्थान से जुड़ा रहता है। तात्पर्य है और ये स्पष्ट है कि आप एक ईश्वरीय कारण से किसी स्थल पर, किसी परिवार में जन्म लेते हैं, किसी देश में जन्म लेते हैं। और जिस प्रकार हमारा भाग्य, देश का भाग्य आपस में जुड़ जाते हैं, उससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पे देश का भी कोई कुंडली हो सकती है या होती है। अन्यथा अगर ये ना होता तो भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े क्यों होते, और 1971 में बांग्लादेश का निर्माण कैसे होता, कई राष्ट्र जो है कॉमनवेल्थ के जो हैं ब्रिटेन के चुंगल से कैसे छूटते। तो मैं अब आपसे एक महत्वपूर्ण विषय, सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, और ये जो प्रवेश है इसका देश के ऊपर, देश की कुंडली के ऊपर क्या असर होगा, इसको समझने के लिए हमें देश की कुंडली का ज्ञान होना आवश्यक होगा। देश का जन्म 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में, रात को 12 बजे हुआ था। उस समय की कुंडली पर यदि हम नज़र डालें तो वृषभ लग्न की कुंडली है, लग्न में राहु है, सप्तम भाव में केतु है, दोनों ही अपनी उच्च राशियों में हैं। खर्चे और लॉस का और व्यय का ग्रह मंगल द्वितीय भाव में है। जो तीसरा घर है कुंडली का, उसमें चंद्र, बुध, शनि, शुक्र तथा सूर्य हैं। शनि और शुक्र दोनों ही अस्त हैं, बुध जो है वो अस्त नहीं है, निर्मल नहीं है। चंद्र जो है त्रयोदशी के प्रकार के हैं, एक प्रकार से त्रयोदशी है, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी का जन्म है। देश की कुंडली पर यदि हम नजर डालते हैं तो 9 सितंबर 2015 से 9 सितंबर 2025 के मध्य देश को चंद्र महादशा चल रही है। चंद्र जो है भावुकता से जुड़ा ग्रह है, एक थका हुआ और मध्य रात्रि का अमावस्या जैसे स्थिति का ग्रह है। हम देख रहे हैं जब से चंद्र महादशा चल रही है देश में समस्याएं जो है बहुत अधिक बढ़कर आ रही हैं, और भावुकता से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं। कभी दलित वर्ग को लेकर, छोटी छोटी बच्चियों को के रेप को लेकर, 8 वर्ष 9 वर्ष उससे छोटे बच्चे बालारिष्ट योग में आते हैं, और त्रयोदशी का चंद्र जो है एक प्रकार से बालारिष्ट ही है, इसलिए छोटे छोटे बच्चे हों, कन्याएं हों, बालक हों, उनके रेप होना, चंद्र कर्क राशि का है तो महिलाओं से जुड़ी राशि है, महिलाओं के इतने बलात्कार, 2015 से स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। छोटी छोटी बात पे समाज के विभिन्न वर्गों में तनाव होना, हिंदू मुस्लिम तनाव होना, दलित वर्ग का, और राजनीतिक दृष्टिकोण से देश को हानि होना, क्योंकि देश का जो मुख्य ग्रह शुक्र है वो अस्त है, और जो दशम भाव नवम भाव से धर्म संस्कारों, गवर्नेंस से, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा ग्रह जो है शनि, वो भी अस्त है। अतः जब ये तनाव आते हैं तो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, एनडीए की, यूपीए की, उनको उस पर न्यूनतम पाना बहुत सहज नहीं हुआ करता। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वृषभ राशि का, जो सूर्य है वो 15 मई को प्रातः 5:03 में वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और ये रहेगा 15 जून तक, 11:37 तक वृषभ राशि में सूर्य रहेगा। देश की कुंडली में लग्न में आ जाएगा, और लग्न में आके आते ही इसके प्रभाव जो हैं
एकदम परिवर्तन आएंगे। देश की कुंडली में चंद्र महादशा में उसके सबसे प्रबल शत्रु राहु का अंतर चल रहा है 7 फरवरी 2017 से लेकर 9 अगस्त 2018 तक, किसका अंतर चल रहा है। चंद्र और राहु भयंकर शत्रु हैं, भावनाओं को ज़्यादा खराब करते हैं। अतः फरवरी 2017 के उपरांत आप देखेंगे बहुत अधिक राजनीतिक असहजता, असमंजस के पीरियड चल रहे हैं। फरवरी 2017 तक आते आते डीमोनेटाइजेशन का असर, साथ में GST इत्यादि ये समस्याएं चलती रही। 7 फरवरी 2017 से 9 अगस्त 2018 तक चंद्र महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। चंद्र कर्क राशि का है, साथ में सूर्य शनि इत्यादि सभी ग्रह। चंद्र महादशा में राम मंदिर को लेकर बहुत अधिक उठापटक चल रही है, क्योंकि भगवान राम की कुंडली भी चंद्र महादशा कर्क राशि की है। उनकी कुंडली में बृहस्पति चंद्र दोनों इकट्ठे हैं, गज के श्री योग बना है। देश की कुंडली में भी गज के श्री योग बना हुआ है, कर्क राशि का चंद्र है, परंतु ये निर्बल चंद्र है। साथ में शनि और राहु इत्यादि के प्रभाव जब देखने को आ रहे हैं, जैसे देश की कुंडली में इस समय अष्टम भाव में शनि चल रहा है, चंद्र महादशा राहु अंतर चल रहा है, बहुत अधिक तनाव, सारे राजनीतिक और कानूनी दाव पेच लेकर सब कुछ हो रहा है। चंद्र महादशा में 2015 से 25 की दशा है, इसमें राम मंदिर का निर्णय होना, निर्माण होना लगभग संभव लग रहा है, परंतु तनाव के बिना कुछ नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 15 मई से 15 जून के मध्य क्या हो सकता है। 15 मई से लेकर 24 मई के बीच में जो समय आ रहा है, राहु चंद्र महादशा में राहु, राहु में सूर्य, सूर्य राहु अत्यधिक भयंकर शत्रु में आपस में, तो ये राजनीतिक असहजता और राजनीतिक तनाव से भरपूर समय होगा। इस समय तक कर्नाटका के जो असर हैं चुनाव के, वो आ चुके होंगे, परिणाम आ चुके होंगे, जो लग रहा है भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं। 24 मई से लेके 7 मई के बीच में जो समय है, 15 मई से 7 वैसे 27 मई, उस समय बुध की स्थिति और शुक्र की स्थिति अच्छी होने से शेयर मार्केट की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, धन देश में अच्छा रहेगा, धन का आवागमन, व्यापार, शेयर मार्केट इत्यादि अच्छा रहेगा। ये बुध की स्थिति 27 मई तक अच्छी है, 27 मई से लेके और 8 जून के मध्य शेयर मार्केट में अस्थिरता का दौर रहेगा, उस समय शेयर मार्केट गिर सकती है। सॉफ्टवेयर का, कागज का, कपड़े का, सब्जियों का, व्यापार का, आर्थिक कारणों से ये सब होगा। दूसरे मंगल जब से धन राशि में गया है, एक सबसे ऊंचे स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें पहुंच गई हैं। मंगल उस समय उच्च होगा जब सूर्य जो है मृष राशि में चल रहे होंगे, तो पेट्रोल की कीमतें थोड़ी सी गिरेंगी और उनका गिरने का समय भी 15-27 के मई के मध्य है, तो इस समय इन्फ्लेशन जो है और महंगाई नियंत्रण में रहेगी। 27 मई से 8 जून के मध्य महंगाई जो है थोड़ी सी बढ़ेगी, 8 जून से 15 जून के मध्य महंगाई इत्यादि ठीक रहेगी। 8 जून से लेके और 15 जून के मध्य का जो समय है, इस समय जो है वर्षा का मौसम जो है वो आ जाएगा दक्षिण भारत में, तो मानसून का समय लग रहा है लगभग ठीक रहेगा। मई जून इत्यादि में, जून का जो 8 तारीख के बाद का समय, उसमें दक्षिण भारत में मानसून की स्थिति थोड़ी ठीक होती लग रही है, वो चलता रहेगा। 8 जून के उपरांत जो है शेयर मार्केट आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी निर्बलता होना, और शुक्र और बुध का जो भ्रमण है एक प्रकार से जिस प्रकार वो चल रहा है, उसमें 15 मई से लेकर 27 मई के मध्य, विशेष रूप से 15 मई से लेकर और 8 जून के मध्य, इस समय में थोड़ी आतंकवादी घटनाओं के संकेत मिल रहे हैं। वो संकेत इस प्रकार दिख रहे हैं, 14 मई से 18 मई आर्थिक रूप से अच्छा, 18 और 19 मई की जो तारीखें हैं
इनमें बड़ी आतंकवादी घटनाओं के संकेत। 19 से 24 मई का जो समय है, इस समय में वर्षा इत्यादि, देश की आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति ठीक, थोड़े से आंधी तूफान के संकेत, तेज वर्षाओं के संकेत। 24 से 27 मई के मध्य एक डिप्रेसिव समय चलेगा, उस समय राजनीतिक कारणों से देश में जो है थोड़ा सा लोगों में बेचैनी रहेगी, समाज के विभिन्न वर्गों में तनाव रहेगा। 27 से 30 मई के मध्य इस समय में भौगोलिक दुर्घटनाओं का संकेत मिलता है, योग बनता है, भूकंप इत्यादि के संकेत मिलते हैं। 30 से 5 मई के मध्य आर्थिक स्थिति हेतु, शेयर मार्केट हेतु ग्रह स्थिति थोड़ी ठीक लग रही है, परंतु बहुत ऊपर नहीं जा रही है शेयर मार्केट, क्योंकि कहीं ना कहीं पे बुध की जो स्थिति है 10 जून तक इस प्रकार चल रही है कि उसमें शेयर मार्केट में एक प्रकार से धन आएगा, दूसरी तरफ से निकलेगा। हाँ, खाने पीने की वस्तुएं जो हैं, और ये प्रचुर मात्रा में होगी, अनाज प्रचुर मात्रा में होगा, परंतु महंगाई थोड़ी सी होगी उस समय। देश की कुंडली में यदि हम आगे बात करते हैं, 30 मई से 6 जून के मध्य भौगोलिक, ये मानसिक तनाव का भावुकतापूर्ण समय है, वर्षा के लिहाज से समय बहुत अच्छा है। और 6 जून से लेकर 11 जून का जो समय है, उस समय में बहुत अधिक महत्व के कानून से जुड़े जो विषय हैं उनसे जुड़ा हुआ समय, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि अत्यधिक महत्वपूर्ण अपनी घोषणाएं, जजमेंट्स इत्यादि दे सकती है, जो देश को एक बार चकित करने वाला होगा। परंतु ये भौगोलिक दृष्टि से समय देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है, 6 जून से 11 जून, जिसमें पाकिस्तान या चीन की जो षड्यंत्रकारी जो गतिविधियाँ हैं वो देखने में नजर आएंगी। इस समय में भी थोड़े भूकंप इत्यादि के संकेत मिल रहे हैं, विशेष करके 9-10 जून के आसपास। 11 जून से लेकर 15 जून का जो समय है वो देश की सत्ता, देश की सरकार इत्यादि उनके लिए अच्छा रहेगा। तो सारा यदि हम देखें तो 24 मई से लेकर और 15 जून तक, 15 से 24 मई का समय अत्यधिक भाव, देश में क्रोध रहेगा, गर्मी है, सब कुछ है, सरकार और विपरीत पक्ष में काफ़ी आपस में तनातनी है, बहुत अधिक गर्मी है देश में, आग का प्रकोप देखने को मिलेगा 24 मई से और 15 जून का जो मध्य है समय है, बरसात इत्यादि, पानी की कमी ये नहीं होगी, बिजली की थोड़ी बहुत कमी होती रहेगी इस समय में, 24 मई से लेके विशेष करके ये समय चलेगा। और इसमें भी आप ये कह सकते हैं 30 मई से 6 जून के बीच में बिजली की समस्या रहेगी, पानी की समस्या थोड़ी बहुत रहेगी, परंतु 24 मई से 15 जून अत्यधिक भावुकता का समय है, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, सरकार को पूरा जोर लगाना होगा हर चीज़ को नियंत्रण में रखने के लिए, क्योंकि ये जो समय चलेगा 24 मई से लेकर 15 जून, ये राहु चंद्रमा दशा में राहु और राहु में चंद्र होगा, तो देश की जो भावुकता और मानसिकता है वो प्रभावित होगी विपरीत रूप से। इस समय में भी रेप इत्यादि की बड़ी घटनाएं हो सकती है, देश की भावुकता जो है और देश की जो आर्थिक वो जो है भौगोलिक स्थिति का आपस में संबंध है, देश के ऊपर भूकंप से नुकसानी या बहुत बड़ी आतंकवादी घटनाओं से, अब चीन और सॉरी भारत और पाकिस्तान में आपसी तनाव 30 से लेकर 6 जून के बीच में, ये चीज़ें देश को थोड़ी सी मानसिक रूप से व्यथित करती रहेंगी। परंतु देश के लिए भाग्य की बात यह है कि इस समय में प्रधानमंत्री की कुंडली में उच्च का मंगल चल रहा होगा, सूर्य सप्तम भाव में चल रहा होगा, तो स्थिति को नियंत्रण में लाना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। परंतु अत्यधिक भावुकता का पहले क्रोध तनाव का है 15 मई से 24 मई, उसके बाद भावुकता का समय 16 जून तक। धन्यवाद, नमस्कार।